देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। टोहाना के गांव पिरथला के शौचालय में एक लगभग 8 फीट लंबा सांप घुस गया। स्टाफ सदस्यों ने इसकी सूचना स्कूल प्रबंधक को दी। उन्होंने तुरंत वन्य जीव रक्षा विभाग से संपर्क किया, वह सांप होने की जानकारी दी। वन्य जीव रक्षा विभाग के सोशल कार्यकर्ता डॉक्टर गोपीराम ने मौके पर पहुंचकर सांप को शौचालय से बाहर निकाला व दूर जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। डॉक्टर गोपीराम ने बताया कि यह नागिन है जो इस मौसम में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों व अन्य स्थानों में घुस जाती है। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में नागिन अधिक आक्रमणकारी होती है, अगर कोई भी इसकी चपेट में आ जाए तो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बस कॉल आई थी पिथला गाँव से कि यहाँ पे किसी स्कूल में वॉशरूम में बहुत बड़ा नाग घुस गया। मैं 15 मिनट में ही पिथला गांव में पहुंच गया और जब मैंने वहां पे जाके नाग को पकड़ा तो देखा कि ये नाग नहीं था, नागिन थी। और ये बच्चे पैदा करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान देख रही थी। अगर उस दौरान इसको कोई घायल कर देता या कोई छेड़ता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैंने इसको केयरफुली पकड़ के ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। नागिन थी सर, बहुत विकराल रूप इसने धारण किया हुआ था और अपनी जगह देख रही थी प्रजनन के लिए। अक्सर बरसाती सीजन में जो है ना ये ऐसा चलता ही है। बता दें कि यह कुछ सांप निकलने का टोहाना में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टोहाना के नागरिक अस्पताल में 8 फुट से लंबा सांप मिला था। टोहाना से एएनटी नेशनल के लिए परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।